यस स्टार्ट करते हैं वेक्टर क्विक रिवीजन विद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। देखिए वेक्टर में हमेशा प्रॉब्लम आती है, आप लोग चाहते थे भी कि वेक्टर का सेशन लूँ, थ्योरी पार्ट बहुत डिटेल में कवर करा, उसके बाद भी हमें कई बार प्रॉब्लम्स आती है और वेक्टर के क्वेश्चंस हमेशा स्कोरिंग होते हैं। अगर आपके कंसेप्चुअल कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप वेक्टर में बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। और कुछ कंसेप्ट याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अब इस पेपर के मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पेपर आपके पास ऑलरेडी होगा, आपने सॉल्व कर लिया होगा। जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होंगे उनको स्कैप करेंगे या उनकी हिंट दूंगा, जिन क्वेश्चंस में मुझे लगेगा कि आपको डिफिकल्टी आ सकती है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप उससे पूछते हुए भी चलोगे। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर अगर याद रहे तो अच्छा है, बाकी इसका मेथड भी मैं बता देता हूँ। इफ़ ए बी सी आर यूनिट वैक्टर देन, ए बी सी यूनिट वैक्टर देन, याद रखिएगा कभी भी कुछ बेसिक बात याद रखिएगा कि ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर मैं a डॉट ए ही करूं तो मिलेगा मॉड ए कॉस जीरो, इसका मतलब किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है। कभी भी आपसे बोला जाए a b c, जैसे बोला यूनिट वेक्टर, यानी इसका जिसका भी मॉड वन हो उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। कुछ बेसिक सी याद रखिए, a डॉट b अगर कभी भी जीरो हो तो a परपेंडिकुलर टू b होता है, राइट। ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इन टू एन कैप। कई बार आपसे परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा जाता है प्लेन के, जिस प्लेन पे ए और बी होते हैं, जिस प्लेन पे ए और बी होते हैं उसके परपेंडिकुलर वेक्टर को हम एन कैप बोलते हैं। मतलब ये एंगल हो गया उनके बीच का थीटा, यहाँ पर अगर हम एन कैप को देखें तो ये एन कैप है, ये एन कैप है, ध्यान रखिएगा ये एन कैप है। अच्छा छोटी छोटी चीज़ें हैं, ए क्रॉस बी ये आपको ही करना है क्विक रिवीजन, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। दो वेक्टर पैरेलल हो तो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये कंडीशन ऑफ पैरेलल आती है, राइट। इन ऑर्थोगोनल सिस्टम ये आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, प्रोजेक्शन निकालने का, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखिए मैं इतना क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ पर ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाने के बाद, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मीन्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए जिसकी डायरेक्शन में बोलते हैं उसका मॉडुलस, ये स्केलर प्रोडक्ट प्रोजेक्शन। इसी को वेक्टर में करना हो तो डिवाइड कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर बिना डायग्राम के देखिए, ये प्लस माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, तो क्या बचा, ए सी ए रिजल्टेंट को बताता है। यानी अगर ये ए पॉइंट है, ये ट्रिक है, काम आएगी, मैं आपको ट्रिक्स हमेशा बताता हूँ और बहुत ज़्यादा बताता हूँ, पर मैं हमेशा ट्रिक्स पर फोकस नहीं कंसेप्ट पर फोकस करता हूँ। कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे ट्रिक्स अपने आप बनेंगी, कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे ट्रिक्स का कोई काम नहीं आने वाला। ये छोटी छोटी बातें याद रखो। अब जैसे ए बी बी ये सी, तो ए से बी बी से सी गए तो इसका रिजल्टेंट हो गया ए सी, राइट। यस तो प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कि जो डायरेक्शन या कंपोनेंट को बताए, यानी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप रिवाइज करते चलेंगे। इसके वेक्टर प्रोडक्ट का क्या काम होता है, पैरेललोग्राम के एरिया को बताता है। अगर पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी को का मॉड ले लें तो हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा, इसमें टू का डिवाइड कर दें तो ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। डायगोनल ही पता हो, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप रिवाइज करके चलेंगे तो आपका टाइम बचेगा। डी वन क्रॉस डी टू वैक्टर अगर कोप्लेनर हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो मतलब, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर कोप्लेनर है तो जीरो, और अदरवाइज इसका एप्लीकेशन है वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइट्स को बताता है। ऐसे ही वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है। तो वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप वैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं ट्रिपल टाइम, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ए क्रॉस पी क्रॉस सी इक्वल टू ए सी इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर, राइट।
छोटे छोटे से कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। दो वेक्टर सेम हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, प्रोपोर्शनल हो तो भी जीरो होता है, राइट प्रोपोर्शनल हो तो भी जीरो होता है। अब ध्यान रखिएगा दो वेक्टर के बीच में, जैसे ये दो वेक्टर हैं और ये दो एक वेक्टर स्केलर है, अगर दो वेक्टर के बीच में कोई साइन ना हो तो ये नॉट डिफाइंड होता है, दो स्केलर वेक्टर के बीच में साइन हो तो भी नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच में या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, और स्केलर और वेक्टर के बीच में 3a वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, ये नॉट डिफाइंड है, 3a डॉट a नॉट डिफाइंड है, छोटी छोटी चीज़ें। इसीलिए जब हम बोलते हैं a डॉट b क्रॉस c, तो अगर मैं ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो भी इसमें बाय ऑपरेशन पहले b क्रॉस c होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट एक वेक्टर होगा और इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। a डॉट b क्रॉस c का कोई डेफिनेशन नहीं, यानी अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो छोटी छोटी चीजें समझ में आती। कई बार ये बोलते हैं बच्चे कि सर इसको a डॉट b, मैं पहले a डॉट b कर लूं फिर क्रॉस c कर लूं, तो वो डिफाइंड ही इतने अच्छे से किया कि इसका रिजल्ट स्केलर स्केलर वेक्टर के बीच में साइन नहीं होता। तो अगर आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब रिलेटेड थ्योरी और भी कोई आएगी तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता हुआ चलूंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को छोड़ता हुआ चलूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हिंट से काम चलेगा, हिंट देते हुए चलूंगा, बाकी आप क्वेश्चन समझते हुए चलिए। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए बोला है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, देन वेक्टर ए वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी का स्क्वायर। देखिए इसकी आपसे बोला है सी पूछा है डज नॉट एग्जिस्ट, किससे ज़्यादा नहीं होगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा कि ये 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इनफैक्ट एक जेई में क्वेश्चन भी ऐसा आया था जिसमें इक्वल टू 9 दे के एक अलग से वैल्यू पूछी थी, यानी 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बाकी जब आप स्क्वायरिंग करेंगे, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, और आपको ये ऑलरेडी पता है कि इन सब के मॉड 111 है। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 6 टाइम्स ऑफ माइनस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आप ऑलरेडी एक बार प्रूव कर चुके हैं, ये माइनस 3/2, तो देखिए 9, यानी 9 से एक्सिट नहीं करेगा, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। मैं वैसे आपको सलाह यही दूंगा कि आप इसको याद रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, सिंपल क्वेश्चन है, वैक्टर ए दिया हुआ है अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के ला इन द प्लेन तो वैक्टर बी एंड सी, तो बी क्रॉस सी करके इसको कंपेयर कर दें तो अल्फा बीटा मिल जाएगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बोला है मॉड ए इक्वल टू 7 मॉड बी इक्वल टू 11 एंड मॉड ए प्लस बी इक्वल टू 10 रूट 3। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए, सॉरी ये 11 है और आपसे पूछा क्या है, देन ए माइनस बी एज। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, देखिए इसका आप हमेशा स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो इसका स्क्वायरिंग होगा मॉड एस वैक्टर ए स्क्वायर वैक्टर बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ये बहुत ही कॉमन है, अक्सर आता है क्वेश्चन, और यहाँ से 2a डॉट b यहाँ से लाएंगे, क्योंकि जैसे आप स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इक्वल टू 300, ये दिया है 749 प्लस 150 प्लस 2a डॉट b इक्वल टू, सॉरी ये 11 था तो 121, 49 प्लस 121, राइट, तो ये हो जाएगा 50 170, तो 2a डॉट b इक्वल टू ये आ जाएगा 130, राइट, ये कितना आ जाएगा 130 170 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 121 माइनस 130, यानी एक तरह से मिला 40, यानी 2√10, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी लोगे। ऐसे कई जगह पे स्टेप्स मैं नहीं लिखता हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप भी कोशिश करिए जितना डायरेक्ट होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में क्या बोला है समझिएगा, और ये भी बहुत कॉमन, इसमें सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है सारे। ए बी सी आर वैक्टर सच डैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मॉड ए इक्वल टू 7 मॉड बी इक्वल टू 5 मॉड ऑफ सी इक्वल टू 3 देन द एंगल बिटवीन वैक्टर बी एंड सी। एंगल बिटवीन बी एंड सी जब भी बोला जाए तो बी सी को यहीं छोड़ दो, इसको ट्रांसफर कर दो, बस खत्म, एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वैक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, स्क्वायर करोगे इसका, कोशिश करिए डायरेक्ट स्टेप लिखो 25 प्लस 9 प्लस 2
mod of b mod of c cos theta equal to a square यानी 49। यही चीजें हैं जो आपका टाइम सेव करेंगी। ये हो गया 34, तो 15 मिला तो 2 5 इंटू 3 cos theta equal to 15 यानी cos theta equal to 1/2 then theta equal to 60 degree। छोटी छोटी स्टेप्स को बचाने की कोशिश करिए। मैं ऐसी कई सारी स्टेप्स नहीं लिखता हूँ, इसलिए कन्फ्यूज मत हुआ करिए। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप जितना मेंटल वर्क करेंगे उतना आपका टाइम बचेगा, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो आपको ए बी सी वैक्टर दिया है सच डैट ए बी सी इक्वल टू 4। आपको बोला है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। एक प्रॉपर्टी होती है ए बी सी का होल स्क्वायर यानी 16 आंसर हो गया। ऐसे एक और होता है ऐसे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, दिस इज टू टाइम्स, ये टू टाइम्स होता है ए बी सी। ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेंगे तो आपको इसका फायदा ज़्यादा मिलेगा, राइट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, समझ से चलिएगा, स्पीड में करवाऊंगा। आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो, यही तरीका पेपर सॉल्व के लिए यूज करना चाहिए जब भी आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेट ए बी एंड सी बी थ्री वैक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ए बी एंड सी बी थ्री वैक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड दिए हैं 1 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। इफ ए क्रॉस सी माइनस बी इक्वल टू 0, देन द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड सी के बीच का एक्यूट एंगल बताना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दें, तो ए डॉट सी इंटू ए वैक्टर माइनस ऑफ ए डॉट ए इंटू बचा हुआ सी वैक्टर इक्वल टू, चाहो तो बी वैक्टर लिख सकते हो। अब ये क्या होगा बेटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी, ये स्टेप मुझे लिखनी नहीं थी, आपके समझाने के लिए लिख देता हूँ कई बार। कॉस थीटा इंटू ए वैक्टर, ए डॉट ए मतलब वैक्टर ए का स्क्वायर, ये 1 दिया है तो एक तरह से सी वैक्टर ही बचा और ये बी वैक्टर ही है, राइट। इसका मतलब आपके पास आ गया मॉड ए कितना 1, मॉड सी कितना 2 कॉस थीटा इंटू ए वैक्टर इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, इक्वल टू बी प्लस सी, राइट। अब देखिए आपको एंगल बिटवीन क्या बताना है, ए एंड सी बताना है, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी बताना है। तो इसमें एक काम ये करते हैं कि हम, ये तो हमारा रिजल्ट आ ही गया, ठीक है, इसके बाद इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसमें ये नहीं करते बल्कि ये करते हैं कि ए और सी का एंगल बताना, ये रिजल्ट है इसकी एक बार। अच्छा यहाँ पर ये मैंने अगर बहुत सॉरी लिखी हुई वैल्यू तो काम की थी, 2 cos थीटा इंटू ए वैक्टर माइनस ऑफ सी वैक्टर इक्वल टू बी वैक्टर, ठीक है। इसकी अगर मैं आपसे बोलूँ अगेन स्क्वायरिंग कर दो तो आप बोलते 4 cos स्क्वायर थीटा, वैक्टर का स्क्वायर मॉडल स्क्वायर के बराबर होता है 1, प्लस सी स्क्वायर मतलब 4, माइनस 4 cos थीटा इंटू ए डॉट सी इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर जो कि 1 हो गया। देखिए मैंने कई सारी स्टेप यहाँ पर आके फिर से स्क्वायरिंग करी है, अब समझिएगा ये है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 cos थीटा इंटू ये 2 cos थीटा मिलेगा, ए डॉट सी में फिर लगाया इक्वल टू 1, तो एक तरह से मुझे मिल गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 8 कॉस का थीटा इक्वल टू 1, या बोल सकते हो 3 इक्वल टू 4 कॉस का थीटा, यानी कॉस का थीटा इक्वल टू 3/4 कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पर एक्यूट वर्ड लिख के आपका काम खत्म कर दिया, यानी कॉस थीटा है √3/2 तो थीटा हो गया π/6, क्लियर। एक बार फिर समझा देता हूँ क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, पहले तो मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाया, तो ए डॉट सी इंटू ए माइनस ए डॉट ए इंटू सी वैक्टर इक्वल टू बी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये मॉड है मॉड सी, इसको डायरेक्ट लिखा कॉस थीटा, ये लिखा इसका मॉड किसी वैक्टर का स्क्वायर मॉडल स्क्वायर के बराबर होता है, ये 1 है ये 2 है, 2 कॉस थीटा ए सी। अब यहाँ पर जो मैं स्टेप लिख रहा था उससे ले जाने का फायदा नहीं, बल्कि इसका एक बार फिर स्क्वायरिंग किया तो एंगल मिल गया, और
यहाँ पर स्कोरिंग करने का फायदा हुआ कि इसके वेक्टर का मॉडुलस मिल गया, आपने क्वेश्चन को इजीली कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी है, आपको बिल्कुल इजीली बनेगा। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप वो देखेंगे तो पेपर में आपको समझ में जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा ही क्या है। ए और बी दो वैक्टर दिए हैं आपको, बोला है 7th में एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो आप ऐड और सबट्रैक्ट करके एंगल निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है ए बी सी, बी वैक्टर सच डाट मॉड ए इक्वल टू 2, मॉड बी इक्वल टू 3, मॉड सी इक्वल टू 5, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ। कभी भी ये पूछा जाए तो एक रिजल्ट बना के ही रख लो आप, ये बहुत पूछा जाता है। इसकी स्क्वायरिंग करनी होती है बस, और इसकी स्क्वायरिंग करने के बाद आपको एक्चुअल में ऐसा मिलता है, ए वैक्टर का स्क्वायर, बी वैक्टर का स्क्वायर, सी वैक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम जो पूछा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो पूछा गया है, अब वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस जो पूछा इक्वल टू 0, ये हो गया 29 38, तो यानी ये हो गया माइनस का 19, राइट, माइनस 19 इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 9th की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे ही बन जाएगा 9th। देखिए क्या है, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी, देन देखिए ऐसा है, ये ए बी है, पी कहीं पर भी है और सी मिड पॉइंट है, तो सिंपल सा एक लॉजिक हुआ पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 2 पी सी। ये वैसे करते कैसे, ऐसा पी ए प्लस ए सी इक्वल टू पी सी, ऐसे ही होगा, देखिए ऐसे ही कैंसिल तो पी सी बचा, ऐसे पी बी प्लस बी सी इक्वल टू पी सी, ऐड करोगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन इसलिए कैंसिल हो गया, वेक्टर में इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन तो कैंसिल, देन आंसर विल बी 0। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 10th में बोला द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू 1 -1 0, मान लो ये पॉइंट ए है, इसकी हिंट देता हूँ बी 2 1 -1 एंड सी इज -1 1 2 इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन पर ये उससे परपेंडिकुलर, तो सिंपल ए बी क्रॉस ए सी कर दीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, बी लोगे तो बी ए क्रॉस बी सी करना बस, तो ए बी क्रॉस ए सी मतलब ए का पोजिशन वैक्टर निकालो, तो आप मेंटली करो ए बी तो बी माइनस ए तो कितना आ जाएगा, देखो 1 2 -1, ऐसे ए सी निकालो तो -2 2 and 2, यस और नो, 4 + 2 6 2 - 2 0 प्लस 6 के, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है समझते हैं। लेट ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 11th है, लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वैक्टर, नो 2 ऑफ विच आर कॉलिनियर इफ द वैक्टर ए प्लस 2 बी, सिंपल है आपसे कर लो, ए प्लस 2 बी इज कॉलिनियर विथ सी वैक्टर एंड बी प्लस 3 सी इज कॉलिनियर विथ ए वैक्टर, देन आपसे बोला है ए प्लस 2 बी प्लस 6 सी वैक्टर किसके इक्वल होगा। अब सुनिए, ए प्लस 2 बी कॉलिनियर टू दिस तो लेमडा सी लिख सकते हो, और बी प्लस 3 सी इक्वल टू लिख सकते हो लेमडा ए, राइट। अब देखो इसमें एक काम ये करते हैं, इसको लेमडा की जगह म्यू लिख लो, अलग अलग कांस्टेंट ले लो, मान लो मैं बी की वैल्यू आपसे बोलूँ तो आप बोलोगे म्यू ए माइनस 3 सी, ये उठा के इसमें रख देते हैं, तो अगर ये इसमें रखी तो ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी की जगह म्यू ए माइनस 3 सी इक्वल टू लेमडा सी, राइट। ऐसा भी बोल सकते हैं ए वैक्टर कॉमन ले लूँ तो 1 + 2 μ, अगर मैं सी वैक्टर कॉमन ले लूँ तो एक तरह से -6 - λ
इक्वल टू जीरो, राइट, माइनस सिक्स माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब एक चीज बताइए कि ये दो वेक्टर जीरो हैं तो इसका मतलब इंडिविजुअली ये भी जीरो होगा और इंडिविजुअली ये भी जीरो होगा, जब भी हो सकता नहीं। लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स, लैम्डा की वैल्यू माइनस सिक्स अगर मैं इसमें रख दूं तो बताओ क्या होगा, ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस सिक्स सी। अच्छा देखिए, ये तो बाई चांस यही कि यही इक्वेशन बन गई जो पूछिए, तो आंसर विल बी जीरो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए और समझिएगा अच्छे से ट्वेल्थ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है, इफ ए एंड बी टू वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू रूट ऑफ 29, ठीक है, एंड ऐसा दिया है ए क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस b, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट माइनस 7i प्लस 2j प्लस 3k इज, इसकी पॉसिबल वैल्यू पूछी है। क्या करेंगे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर a प्लस बी मॉड निकालना आपको, अब इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा, a क्रॉस b इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, अगर मैं इसको लेके आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा पहले तो, और तो b क्रॉस a, तो मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं a प्लस बी क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू जीरो, यस और नो, कैसे देखिएगा, आप जब इसको यहाँ लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहीं कहीं लिखो स्टेप। अब इसका b आगे ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर जब ये ऐसा लिख दूंगा मैं दिस, अब ये स्टेप देखो, ये स्टेप लिखने में भी जो टाइम जा रहा है वो भी हमें बचाना है। ये मैंने कॉमन ले लिया तो एक प्लस बी क्रॉस ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसका मतलब ये हुआ लॉजिकली कि ए दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब जीरो होता है जब दोनों कॉलिनियर हो, यानी हम बोल सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k। अगर मैं आपसे अलग से बोलूं इसका मॉड निकालो, मैं आपसे बोलता है इसका मॉड निकालो तो आप बोलते हैं लैम्डा 4 प्लस 9 प्लस 16 रूट लैम्डा 29। अच्छा ये भी रूट 29 ही दिया है तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई, तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई तो a प्लस बी ये आ गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये करना है 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट, अब कोशिश करना है ये स्टेप ना लिखो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हुए चलिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 14 प्लस 6 प्लस 12, यानी 4 इज अ राइट आंसर, राइट, 4 इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कुछ ये सभी एग्जाम्स वाले क्वेश्चन हैं। देखिए अब जैसे इसमें पूछा है कि सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, अगर वर्टासेस दिए ए बी सी आर द पोजिशन वैक्टर ऑफ द वर्टासेस ए बी सी देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ए बी एंड सी बी थ्री वैक्टर, अ वैक्टर बी इज द प्लेन ऑफ ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑफ सी बाय मॉड सी इज 1/√3। ओके तो ये प्रोजेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे इजीली बन जाएगा, सुन लीजिए क्या है, ये दिया ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, बी दिया है आई माइनस जे प्लस के, एंड सी दिया है आई माइनस जे माइनस ऑफ के, राइट। अब बोला है बी थ्री वेक्टर, अ वेक्टर बी इन अ प्लेन ऑफ ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑन सी बाय मॉड सी इज 1/√3, तो अब वेक्टर बताना जिसका प्रोजेक्शन, तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑन सी बाय मॉड ऑफ, देखिए सी वेक्टर अपॉन अगर मैं मॉड सी की बात करूं तो क्या आएगा, ये इन्होंने दिया इज 1/√3। तो आपको केवल इतना करना है कि ए ऑन ए एंड बी का हुज प्रोजेक्शन इज सी बाय मॉड सी इज 1/√3, तो ऑप्शन से करने की कोशिश करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए,
अब देखो इसमें एक चीज अच्छी बोली है, सी बाय मॉड सी, इसका प्रोजेक्शन दिया, बी का प्रोजेक्शन दिया, देखो ऐसा बोला है ना, अ वेक्टर बी इन द प्लेन ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन इज सी वेक्टर मॉड सी इज 1/√3। तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे कि अगर जैसे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, मान लीजिए ऑप्शंस को अगर हम सी के साथ प्रोजेक्शन निकालें तो देखिए क्या आता है। जैसे अगर मैं इसके साथ इसका प्रोजेक्शन निकालूं ए का, तो देखिए कितना आएगा, 3 + 1 - 3 अपॉन सी की डायरेक्शन में निकाला है तो मॉड सी का करेंगे डिवाइडेड, तो ये हो जाएगा √3। देखिए यही दिया है, देन दिस इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जेई का इंटीजर टाइप में इस तरह का क्वेश्चन आया था, सभी क्वेश्चंस को बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना दिया गया और कोई चेंज नहीं है, तो आप समझे क्या करा है। इफ ए एंड बी आर वेक्टर इन स्पेस इज गिवन बाय ए वेक्टर इक्वल टू i - 2j बाय √5, ठीक है, बी वेक्टर दिया हुआ है देखिए क्या, 2i + j + 3k अपॉन √14, देन द वैल्यू ऑफ 2a + b वेक्टर डॉट a × b × a - 2b इज ओके। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा देख लें इस क्वेश्चन को, ये जेई के इंटीजर टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इफ ए एंड बी, अब अगर मैं इसको देखूं तो ये इसका यूनिट वेक्टर एक तरह से, अगर मैं इसका मॉड लूं तो 1, इसका मॉड भी लूं तो 1, और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो a · b देखना जरा क्या आता है, 2 - 2 = 0, यानी a और b परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब देखिए एक चीज सुनिए, ये तो 2a + b लिखा है वो ठीक है, पर अंदर अगर हम देखें तो ये दो वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, या ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर है। ट्रिपल प्रोडक्ट का कुछ कंसेप्ट यूज करते हैं, अदरवाइज ये लंबा हो जाएगा। आप सोचो कि मैं ए की वैल्यू यहां रख दूं, बी की रख दूं यहां रख दूं, मल्टीप्लाई करूं, बहुत लेंदी हो जाएगा। अब देखिए a × इसको एक मान रहे हो तो इसको एक मान लो आप, तो ऐसा ले लो, a × b × c को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ये दूर वाला लेते हैं, यानी आप लेंगे a · c (b - b·c)(a), और अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, केवल अंदर के समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसका मैंने करा तो ये होगा देखिए कितना, a · a - 2b (b) बचा हुआ वेक्टर b माइनस ऑफ, अभी आप याद रखना इसी को कर रहे हैं, माइनस ऑफ, कभी भी ऐसे में दिक्कत हो तो यही तरीका होता है, b · a - 2b (b) बचा हुआ वेक्टर a। राइट, अब जरा मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए क्या होगा, यहां पर मिलेगा ये a² के साथ ये पूरा वेक्टर है, यस और नो, और ये स्केलर है, तो a · a कितना हो जाएगा, वेक्टर का स्क्वायर मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, 2a · b = 0। अब देखिए कितना फायदा, (b)। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये बचा ही b वेक्टर, बहुत बढ़िया, ये बचा ही b वेक्टर माइनस, अब देखिए b · a करा 0, ये करा तो आपको मिला -2 वेक्टर का स्क्वायर मॉड स्क्वायर के बराबर, मॉड b भी 1 है, अच्छा ये बचा एक तरह से -, प्लस 2a वेक्टर। अरे वाह, ये तो और अच्छा हुआ, देखिए 2a वेक्टर + b, और इसका रिजल्ट भी 2a वेक्टर + b ही है। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो तो 4a² + b² + इसका होल स्क्वायर किया है तो 4a · b, a · b 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 4 + 1 = 5, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा, 16 सीधा सीधा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा है, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो अपने आप ही उसमें एक्स वाई नहीं आएगा, तो नाइदर एक्स नॉर वाई, ABC पूछा था आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16 बहुत सिंपल है, ABC को निकालना था, और जब इसको सॉल्व करते डिपेंड ऑन पूछा है, जब इसको सॉल्व करते तो एक्स वाई वाले टर्म नहीं आते, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई हो जाता। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, लेट ए सी देन द वेक्टर बी सेटिस्फाइंग, इसको आप ऑप्शन से करिएगा, ए दिया है j - k, सी वेक्टर दिया है i - j - k, देन द वेक्टर बी, बी वेक्टर बताना जो कि इस कंडीशन को
a cross b plus c vector equal to 0 और a dot b equal to 3 को बताएं, तो आप direct option से कर सकते हो, पहले ये check कर लो, फिर इसके बाद ये check करने जाना. Then question number 18 में देखिए क्या बोला है, AC vector दिया है, BD vector दिया, area parallelogram बोला है. आप देखिए diagonal दिए हुए हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो area का formula half AC cross BD, जहां मुझे लगेगा hint देने से काम हो जाएगा वहां मैं आगे बढ़ जाऊंगा hint देके, जहां लगेगा पूरा सॉल्व करना है बताता हूं चलूंगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19. A एंड B टू वेक्टर सच दैट मॉड A इक्वल टू 13, मॉड B इक्वल टू 5, A डॉट B इक्वल टू 60, देन द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B. अब देखिए क्रॉस और डॉट में एक रिलेशन होता है, ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो मिलता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, आपको करनी पड़ती है इसकी स्क्वायरिंग, जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो मिलता है मॉड ए मॉड बी साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आप 1 माइनस कॉस का थीटा लिखते हैं. तो ये रिलेशन एक आप हमेशा के लिए याद कर लें, ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, इससे सॉल्व करके आता है. अब आपको जैसे कभी बोला जाए कि केवल ए क्रॉस बी कितना होगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर. अब देखिए आपको ये दिया हुआ है, दिस इज 169 25 माइनस 60 का ए डॉट बी दिया है 60. अच्छा यहाँ पर भी याद रखिएगा स्क्वायर था और इनटू में था, सॉरी. बस अब आपको इसको केवल सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट. और इसको भी सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फैक्टर बना लीजिए, जैसे ये 169 है, ये 25 है, ये 16 है, तो 15 फोर जाए, तो फैक्टर बना के करेंगे तो जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए 20 क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ टू वैक्टर ए एंड बी इज अ वैक्टर सी सच दैट मॉड ए मॉड बी मॉड सी इक्वल टू 2, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ए माइनस बी. देखिए बोला द सम ऑफ टू वैक्टर ए बी इज अ वैक्टर सी, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू सी, एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है मॉड ए मॉड बी मॉड सी इक्वल टू 2, देन आपसे पूछा है ए माइनस बी. ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी. अच्छा ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 माइनस 2 ए डॉट बी, ए डॉट बी इसके स्क्वायरिंग से मिलेगा. ए का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू सी का स्क्वायर 4, एक 4 कैंसिल, तो 8 माइनस माइनस 4 तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 12. इसका स्क्वायर रूट लेना मत बोलना, तो 2 रूट 3. इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता रहता है क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21, क्या क्वेश्चन है समझिएगा, 21 क्वेश्चन में क्या बोला गया है. 21 क्वेश्चन में बोला गया है कॉन्स्टेंट फोर्स, टू फोर्सेस दिए एक्ट ऑन अ पार्टिकल, द वर्क डन व्हेन द पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम ए हुज पोजिशन वैक्टर टू बी, देन वर्क डन क्या होता है फोर्स इन टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स दो दिए हैं तो दोनों फोर्स को एड करते हुए चलेंगे. मैं चाहता हूं कि आपका, क्योंकि आपको ऑलरेडी पेपर मिल चुका है तो कहां आपका टाइम सेव हो सकता है, वो एक पर्पज, इसलिए हर क्वेश्चन को नहीं तो ए बी निकाल लेंगे पोजिशन वैक्टर से, दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट. फिर वैक्टर ए मेक एन एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हैज मैग्नीट्यूड 3, देन द एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट. तो सिंपल बात है, क्या बोला, इफ अ वैक्टर ए मेक एन एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हैज मैग्नीट्यूड 3, then the angle between A and each of the 3 coordinate. तो सिंपल इसका हमेशा आंसर होगा 1 cos inverse 1 by root
थ्री, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, कॉस का अल्फा प्लस कॉस का बीटा प्लस कॉस का गामा इक्वल टू होता है वन। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि तीनों के साथ सेम एंगल बनाएगा तो थ्री कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, तो कॉस अल्फा इक्वल टू वन बाय रूट थ्री उससे निकला हुआ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए बी देन द यूनिट वेक्टर एन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी सच दैट ए बी एन इज अ राइट हैंडेड सिस्टम। तो सिंपल, आपसे ए क्रॉस बी पूछा गया है और उसका भी मतलब यूनिट वेक्टर बोला तो एन कैप हो जाएगा। एन कैप क्या होता है, ए क्रॉस बी जो निकलेगा और इसका आप मॉडुलस ले लीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट है इफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। ए बी सी आर कोप्लानर, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, ये देखिए, ये दूसरी कंडीशन है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें चाहें तो, ए क्रॉस का कर लें बी क्रॉस का कर लें, तो यही रिजल्ट निकल के आता है। इनफैक्ट इस रिजल्ट से ये रिजल्ट बना, इससे ये रिजल्ट बना है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो आपको ये क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिएगा 25th क्वेश्चन में दिया है, कंसिडर अ पॉइंट ए बी सी डी विथ पोजिशन वैक्टर देन ए बी सी डी इज अ, ओके फोर पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी पोजिशन वैक्टर के साथ दिए हैं, जैसे 7i माइनस 4j प्लस 7k, i माइनस 6j प्लस 10k। हिंट दे देता हूँ आपको, केवल जैसे ए बी निकाला आपने तो b माइनस ए तो क्या हो जाएगा, बोलिए ए बी वैक्टर जब निकालेंगे तो माइनस 6i माइनस 2j प्लस 3k। अब इसका मॉड निकाल लीजिए, 36 प्लस 4 प्लस 9 यानी कितना 7, ऐसे BC का CA का और DA का, तो आपको इससे रोम्बस स्क्वायर या रेक्टेंगल की कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट 26 में अगेन क्वेश्चन है वर्क डन का, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको दो फोर्स दिए हुए हैं और पॉइंट दिए हैं तो उससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन देखें, देखिए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पेपर से लिए हुए क्वेश्चन, इसलिए कई क्वेश्चन एक जैसे मिल रहे हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूँ पुराने पेपर अभी क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, कि पुराने पेपर सॉल्व करने से समझ में आएगा कि अगर आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए तो नए क्वेश्चन में केवल डेटा चेंज होगा, क्वेश्चन में वही पूछा जाएगा जो आ रहा है। तो देखिए इसमें बोला है 27 में द एरिया पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स, डायगोनल गिवन है तो हाफ d1 क्रॉस d2। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन में आपको थ्री वेक्टर कोप्लानर बोला है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो, तो लैम्डा मिल जाएगा। राइट, ऐसा है, देखिए क्या दिया है, 3 λ 5 1 2 -3 2 -1 1, दिस शुड बी जीरो, तो आपको सीधा सीधा लैम्डा मिल जाएगा, ये 5 है। और सबसे पहले मैंने लैम्डा वाली इक्वेशन ली थी। फिर 29 में बात करें तो बोला है थीटा की वैल्यू 0 से π के बीच में, ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी ये पूछा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, टेन थीटा, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। राइट, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, 30 क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है, समझने वाला क्वेश्चन है, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है उन्हीं को मैं स्केप कर रहा हूँ। तो 30 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, लेट ए वैक्टर इक्वल टू दिया है एक्स आई माइनस 3j माइनस k, बी वैक्टर दिया है 2xi प्लस xj माइनस ऑफ k। सपोज दैट द एंगल बिटवीन a एंड b इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कभी भी बोले तो a डॉट b है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, a एंड b इज एक्यूट एंगल बिटवीन, सपोज दैट द एंगल बिटवीन a एंड b इज एक्यूट एंगल बिटवीन b एंड पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ y, एंड सुनिए क्या बोला है, सुनिए क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी, सपोज दैट द एंगल बिटवीन a एंड b इज एक्यूट एंड द एंगल बिटवीन b वैक्टर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस, y एक्सेस मतलब होता है j, तो b j
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस लाई बिटवीन पाई बाई टू एंड पाई, पाई बाई टू एंड पाई मतलब ये लेस देन जीरो हो गया, बोला ना y एक्सिस लाई बिटवीन, तो इसका मतलब हो गया b और b डॉट j करोगे कभी भी तो b डॉट j करो, तो b डॉट j करा तो x हो गया लेस देन जीरो, राइट। क्योंकि y एक्सिस का मतलब क्या होता है, y एक्सिस का मतलब होता है आप जे वाई भी लिख सकते थे, तो उससे कोई फर्क, मतलब y नहीं लिखते पर j लैम्डा भी लिख सकते थे, तो इसका मतलब x लेस देन जीरो होगा एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन a डॉट b ग्रेटर देन जीरो से मिलेगी, बट इन ऑल देखें तो x लेस देन जीरो जिसमें होगा वो आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें x लेस देन जीरो, यहीं पे आंसर खत्म। बाकी जब आप a डॉट b करते तो आपको मिलता 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसके फैक्टर बना लो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1, सॉरी माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो, 2x कॉमन तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 1। अब देखिए इससे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, क्या क्या आ गया 1 बाई टू 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको या तो ये लेना है या इधर वाला लेना है। इसका मतलब ओवरऑल देखें तो x लेस देन जीरो इज अ राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 31 क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा वो समझें एक बार, और फिर 31 क्वेश्चन आपसे भी बन जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। लेट बी वैक्टर इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k w वैक्टर i प्लस 3k, इफ u इज अ यूनिट वैक्टर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ u डॉट u v w इस पूछी है। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये होता है u डॉट v क्रॉस w भी लिख सकते हैं, राइट। अच्छा एक चीज आपको पता है कि देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके u इज अ यूनिट वेक्टर, ये जब पता है u एक यूनिट वेक्टर है। अब मैं आपसे बोलूं कि v क्रॉस w करिए तो क्या होगा, i j के लिखना चाहिए हमेशा, तो 0j प्लस 3k, तो आप मेंटली करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3i माइनस 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 7j माइनस ऑफ k। अगर मैं बोलूँ इसका मॉड निकालें तो आएगा 9 प्लस 49 प्लस 1 यानी रूट 59। यही हो सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आपसे पूछी गई है, क्योंकि आप जब इसका, ये तो यूनिट वेक्टर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 32 क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा, 32 क्वेश्चन में क्या बोला सुनिए। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ, पैरेललोग्राम है ए सी एंड बी डी इज अ डायगोनल, ये भी आपसे हो जाएगा, ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। ए बी सी डी आपसे बोला ए सी माइनस बी डी, तो इसका आंसर ए, जैसे इसके आंसर दिए हुए हैं उसी टर्म में लिख लो। ए बी के टर्म जैसे ये दिया आंसर 4ab 3ab 2ab, ठीक है, तो ए सी वैक्टर क्या होगा, ए सी होगा ए बी प्लस बी सी। अब फिर से अब बी डी की बात करें, बी डी तो बी डी होगा बी सी प्लस सी डी, दोनों को अगर मैं आपसे बोलूँ सबट्रैक्ट कर दो तो ए सी माइनस बी डी, तो मिलेगा ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस सी डी, राइट। ये आपस में कैंसिल, इसको चाहो तो ए बी और प्लस डी सी लिख सकते हो, डी सी मतलब वही ए बी के इक्वल हो गया तो 2 ऑफ ए बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 33 क्या बोला है क्वेश्चन में, समझिएगा कैसे करना है वो बताता हूँ। अ वेक्टर ए हैज कंपोनेंट टू पी एंड 1, एक कोई वेक्टर है ए, मान लीजिए वेक्टर है ए, इसके कंपोनेंट दिए हैं, क्या क्या दिए हैं 2p, 1, यानी वेक्टर ए को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 2pi प्लस j विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, दिस सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टन एंगल अबाउट ओरिजिन,
इसको आपने रोटेट कर दिया, थोड़ा इमेजिनेशन करना, इसको ऐसे रोटेट कर दिया और ये रोटेट हो गया, तो ये भी रोटेट हो जाएगा, ए वेक्टर कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा मान लो, राइट, रोटेट अबाउट एन एंग क्लॉकवाइज सेंस विथ रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ ए, न्यू सिस्टम के कंपोनेंट दिए हुए हैं पी प्लस वन, तो पी प्लस वन इंटू आई प्लस वन ही दिया तो जे हो गया। अब एक चीज आपसे पूछिए कि पी का वैल्यू क्या होगा। अब एक चीज समझिए कि भले ही आपने सिस्टम को रोटेट किया पर इनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो सकता, ये रूट फोर पी स्क्वायर प्लस वन है और ये पी प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन है, दोनों को इक्वेट कर दो बस आंसर आ जाएगा, तो फोर पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू पी प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये भी कैंसिल, फोर पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन, यानी थ्री पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो पी की एक वैल्यू आ गई माइनस वन, एक वैल्यू आ गई वन बाय थ्री, राइट, पी की एक वैल्यू वन आ गई, एक आ गई, सॉरी इसको फैक्टर बनाया तो ये प्लस वन आएगा, ये माइनस वन बाय थ्री ऐसा बनेगा, थ्री पी स्क्वायर माइनस थ्री पी प्लस पी प्लस वन, तो इसकी वैल्यू आएगी, देखिए थ्री पी कॉमन लिया, ये माइनस थ्री पी प्लस पी, और ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस वन होगा, ओके इसलिए गड़बड़ हो रही थी, तो थ्री पी कॉमन लिया तो पी माइनस वन, प्लस वन कॉमन लिया तो पी माइनस वन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 34, कैसे करेंगे क्वेश्चन को जरा देखिएगा अच्छे से और समझिए। अब देखिए 34 क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हमने एक और किया था, ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो वैक्टर, नो टू ऑफ विच आर कॉलिनियर, ए प्लस बी इज कॉलिनियर विथ सी, यही किया था, एंड बी प्लस सी विथ कॉलिनियर ए, तो लेमडा म्यू ए लिख दो, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, जो हमने काम वहां किया था वही कर दीजिए, यहां पे बी की वैल्यू रख दीजिए, तो ए इक्वल टू ए प्लस म्यू ए माइनस सी इक्वल टू लैम्डा सी, तो ए वेक्टर कॉमन लिया तो वन प्लस म्यू, सी वेक्टर कॉमन लिया तो माइनस वन माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, यानी हम बिल्कुल सेम है, वन माइनस लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस वन, लैम्डा की वैल्यू माइनस वन यहाँ रख दो, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, अब कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया उसमें भी यही आंसर था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया नन ऑफ दीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन है, देखिए द वेक्टर ए बी सी आर इक्वल इन लेंथ एंड टेकन पेयर वाइज, सुनिएगा इक्वल इन लेंथ, 35 क्वेश्चन को देखिए, द वैक्टर ए बी सी आर इक्वल इन लेंथ एंड टेकन पेयर वाइज मेक इक्वल एंगल इफ ए इक्वल टू आई प्लस जे, बी इक्वल टू जे प्लस के, एंड सी मेक एन ऑप्टिउस एंगल विद बेस वैक्टर आई, ऑप्टिउस एंगल विद बेस वैक्टर आई, देन सी इक्वल टू, अब समझना आई प्लस के ऑप्शन दिए, मैं पूरा मेथड से तो बता ही सकता हूं पर ट्रिक्स अगर देखें तो माइनस वन बाय थ्री आई प्लस फोर बाय थ्री जे प्लस वन बाय थ्री सॉरी माइनस वन बाय थ्री के और डी इस तरह से दिया है। अब सुनिए सबसे पहले तो आपको एक चीज ये देखनी है, श्योर करनी है कि इनका मैग्नीट्यूड भी, द वैक्टर ए बी सी आर इक्वल इन लेंथ एंड देखिन पेयरवाइज आर इक्वल एंगल, जैसे इसका मैग्नीट्यूड कितना है रूट टू, इसका भी कितना है रूट टू, तो अगर हम देखें तो इसका रूट टू है, इसका रूट टू नहीं है कट, इसका वन फोर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन बाय नाइन रूट टू, इसका भी रूट टू है, इसका भी रूट टू है, बट अब यहां पर सुनो आपको ये रिजेक्ट हो गया। अब एक और बात बोली कि सी के आई के साथ सी का
एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, मतलब नेगेटिव। अब अगर देखें तो एक ही में इसमें आई नेगेटिव था पर ये रिजेक्ट हो गया, अब बचा इसमें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आई के साथ तो नेगेटिव मिलेगा, यानी कॉस थीटा माइनस 1/3 जब भी ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी अब आप ए और बी का एंगल निकाल लें और ये ऑप्शन जो मैंने बताया इसके एंगल निकाल के देखें, सेम ही रिजल्ट आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या क्वेश्चन है समझिएगा और कैसे करना है वो देखते हैं। द वैक्टर बी 3i + 4k इज टू बी रिटर्न एज द सम ऑफ द वैक्टर b1 पैरेलल टू a, b1 जो है वो पैरेलल टू a है, ए दिया हुआ i + j एंड वैक्टर बी टू इज परपेंडिकुलर टू ए, देन b1 पूछा है क्या होगा। अब b1 पूछा है क्या होगा तो पैरेलल बोला है, तो पैरेलल में तीनों ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर b वैक्टर जो है बोला है द वैक्टर b इज टू बी रिटर्न एज द सम ऑफ द वैक्टर b1 एंड अ वैक्टर b2, मतलब b1 b2 ऐसा है। अब लॉजिकली देखें तो b1 इक्वल टू ऐसा होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ a, यानी b1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ i + j। राइट, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 3i + 4k इक्वल टू b1 की जगह लैम्डा इंटू i + j प्लस ऑफ b2। राइट, अब आप इसमें चाहे तो i कॉमन ले लें तो 3 - λ, k कॉमन लिया तो 4 - λ, नहीं 4k ऐसे ही रहेगा, -λ j इक्वल टू b2, और आपको बोला है कि b2 इज परपेंडिकुलर टू a, ये इससे परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो 3 - λ के है ही नहीं j, -λ = 0, यानी λ = 3/2, तो बस इसकी जगह रख दो 3/2, ये आ गया आंसर। राइट, क्लियर है बात। चलिए अब आते हैं 37 क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन देखिए क्या है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, आराम से समझते हुए चलिए। 37 देखिए क्या है, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी प्लस सी बाय रूट 2, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का एंगल पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू बी बाय रूट 2 प्लस सी बाय रूट 2। लॉजिकली देखें तो आपको किसका एंगल पूछा, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी इसका कंपेयर इससे होगा, तो हम बोलेंगे माइनस ए डॉट बी इक्वल टू 1/√2, तो ए डॉट बी कितना आ गया -1/√2, यानी 3π/4, और ये यूनिट वेक्टर दिए, आप एंगल निकालते तो ये लिखते ना मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2, तो 3π/4 इज अ राइट आंसर। राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है समझिएगा अच्छे से। बोला गया है लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i + j -2k एंड बी वेक्टर इक्वल टू i + j। इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट, आप ऑप्शन से कर लेंगे इसको और मतलब लॉजिक से कर लेंगे, ए डॉट सी इक्वल टू मॉड ऑफ सी माइनस ए इक्वल टू 2√2 एंड द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 30 डिग्री
देन आपसे पूछा है ए क्रॉस बी क्रॉस ऑफ सी का मॉडुलस कितना होगा, राइट अब देखिए जब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एंगल निकालो तो आप लॉजिकली ऐसा लिखते ए क्रॉस बी का मॉड मॉड ऑफ सी इनटू साइन 30, एन कैप बन हो जाता है क्योंकि इनके बीच का एंगल दिया 30। अब ए क्रॉस बी मॉड ऑफ सी इनटू साइन 30 वन बाय टू। अब देखिए ए क्रॉस बी तो आप इससे निकाल लोगे जो कि आई जे के इससे निकलेगा, तो देखिए क्या जाएगा ए क्रॉस अगर बी की बात करूँ सी अभी मैं निकालता हूँ मॉड सी से निकलेगा ए डॉट सी से और ये आपके पास गिवन है। तो अब देखिए ए क्रॉस बी कितना दिया है सबसे पहले बताइए, तो ए क्रॉस बी होगा जीरो ये टू आई माइनस टू जे टू माइनस वन प्लस के इसका भी मॉड यानी थ्री, तो एक तरह से ये आ गया थ्री बाय टू मॉड ऑफ सी, राइट थ्री बाय टू मॉड ऑफ सी। अब देखिए आपके पास कंडीशंस हैं कुछ, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका स्क्वायरिंग करो तो आप बोलते हैं मॉड सी का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर माइनस टू सी डॉट ए इक्वल टू ये हो जाता फोर टू जा एट, राइट। अब मैं बोलूं मॉड ए कितना है तो आप बोलते थ्री मॉड ए थ्री है। अच्छा एक चीज ए डॉट सी को आपको बोला गया है ए डॉट सी को बोला गया है डायरेक्टली मॉड सी लिख दो, तो मॉड सी का स्क्वायर प्लस नाइन माइनस ऑफ मॉड सी इक्वल टू एट, या ऐसा भी बोल सकते हैं मॉड सी स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड सी प्लस ऑफ वन इक्वल टू जीरो। एक मिनट का ही मिस्टेक तो नहीं हुई देख लीजिए, नहीं ये टू होगा टू सी यानी मॉड सी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो यानी मॉड सी की वैल्यू वन, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ही थ्री बाय टू हो गया, राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट 39 क्वेश्चन देखें तो आपसे हो जाएगा सीधा सीधा रेशो बताना है मॉड के, तो मॉड का रेशो आप निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 40 देखें तो 40 में बोला गया है 40 भी कर लोगे आप फिर भी बता देता हूँ 40 में ऐसा बोला है कंडीशंस हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट बताया उस पर बेस्ड है। फिर 41 को देखिए ये भी क्वेश्चंस को आप क्या करो यू वी एंड डब्ल्यू आर थ्री नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स, देन आपसे पूछा है यू प्लस वी माइनस डब्ल्यू डॉट यू माइनस वी, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ इन टू वी माइनस डब्ल्यू नॉन कोप्लेनर वैक्टर बोले तो आप इसको यू को मान लो आई V को मान लो J और W को मान लो K, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर होते हैं I प्लस J माइनस K U डॉट है यहाँ U I माइनस J क्रॉस V J माइनस K, आप करके देख लीजिए और ऑप्शन में रख दीजिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर 42 में ये दिया हुआ A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 A क्यूब 1 B क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर इस तरह के दिए वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर आर नॉन कोप्लेनर देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ए बी सी पूछा है। इसको सिंपल एक तरीका होता है देखो इसको आप ऐसा लिखोगे अलग अलग ए ए स्क्वायर वन ऐसे तीन वैक्टर प्लस ए ए स्क्वायर ए क्यूब, राइट मैं पूरा नहीं लिख रहा इसमें से आप ए इसमें से बी इसमें से सी तो ए बी सी कॉमन ले लो। अब ए बी सी और ये दोनों डिटरमिनेंट सेम हो जाएंगे तो आपको मिलेगा वन प्लस ए बी सी इन टू डिटरमिनेंट। अब ये नॉन कोप्लेनर दिए हैं यही बच रहे हैं इसका मतलब ये डिटरमिनेंट जीरो हो नहीं सकता तो बचा हुआ जीरो होगा तो ए बी सी इक्वल टू माइनस ऑफ वन माइनस वन इज अ राइट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए 43 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 43 में समझिएगा अच्छे से करना है उस क्वेश्चन को। 43 क्वेश्चन में बोला है लेट ए बी एंड सी बी नॉन जीरो वैक्टर सच डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू वन बाय थ्री मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी ए वैक्टर,
If theta is the acute angle between B and C, theta जो है वो B and C का acute angle है, then sin theta आपसे पूछा है. क्या करोगे? देखो, इसको आप ऐसा कर लो, ऐसा लिख सकते हो आप A dot C into B minus B dot C into A equal to 1/3 mod of B mod of C A vector. अब देखिए, ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे. A dot C तो जीरो होगा क्योंकि B है ही नहीं वहाँ पे, तो A perpendicular to C हो गया. एक बात, अब B और C की बात कर रहे हैं तो आपको मिला क्या? माइनस B dot C equal to 1/3 mod of B mod of C. अब ये हो जाएगा कितना, mod of B mod of C cancel, ये मिला माइनस cos theta equal to माइनस 1/3 sin theta आपसे पूछा है, तो रूट 1 माइनस 1/9 यानी 2 root 2 by 3. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था. देन क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, आपसे बन जाएगा. देन 45, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ए बी सी विद पोजिशन वैक्टर राइट हैंडेड सिस्टम विथ सी इक्वल टू पाई बाई टू, ये भी आपसे हो जाएगा क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा. 46, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम इफ द वेक्टर आर कोप्लेनर स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो. 47, इफ द वेक्टर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, देन ऑर्थोगोनल यानी ए डॉट बी जीरो, बी डॉट सी जीरो, सी डॉट ए जीरो कॉम्बिनेशन मिलेगा. देन 48 क्वेश्चन अभी हमने किया था, सेम क्वेश्चन था जो ए इक्वल टू 1/√2 √10 जिसमें मैंने बोला था आईआईटी के इंटीजर क्वेश्चन जैसा है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन टू 15 और 48, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज है. 49, द वैक्टर ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर, सी एंड डी आर टू वैक्टर सेटिस्फाइंग, ये कंडीशन से कर सकते हो आप. देखो कैसे, 49 बता देता हूं आपको. अगर आप 49 क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए क्या दिया है. 49 में बोला है द वैक्टर ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, तो मतलब ए डॉट बी नॉट जीरो है. सी एंड डी आर टू वैक्टर सेटिस्फाइंग बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी एंड ए डॉट डी इक्वल टू जीरो, तो मतलब ए परपेंडिकुलर टू डी है. देन द वैक्टर डी पूछा है आपसे, तो एक बात बताइए, बी क्रॉस सी माइनस ऑफ बी क्रॉस डी इक्वल टू जीरो, बी इसको कॉमन ले लें तो आप सी माइनस बी लिख सकते हो. सॉरी, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देन द वैक्टर डी किसके इक्वल होगा, ठीक है. तो आप देखो, आपने अगर इसमें से बी वैक्टर कॉमन लिया बी क्रॉस, तो आपको मिलेगा सी माइनस ऑफ डी, दिस शुड बी जीरो, राइट. अब इसका मतलब बी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी माइनस डी, या यहाँ पर भी लैम्डा लगा सकते हो. तो डी वैक्टर की वैल्यू एक तरह से आ गई सी माइनस लैम्डा बी वैक्टर, राइट. और आप देखो ऑप्शन है यही दिया है, सी इक्वल टू सी माइनस लैम्डा की जगह बस ये दे दिया ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी इंटू बी. अब क्योंकि ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो दिया तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट. एंड 50, डायरेक्टली नॉन कोप्लेनर वाली कंडीशन लगा देंगे, मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा कि ये वैल्यू नहीं हो सकती. अब पूरा पेपर मैंने डिस्कस किया है, ऑब्वियसली कई क्वेश्चंस बहुत स्पीड में किए क्योंकि आपको ऑलरेडी पूरा थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, तो जो चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ उसका एक क्विक रिवीजन करवाना पर्पज़ था. अब आपका काम है कि आप वैक्टर के क्वेश्चंस को, क्योंकि पेपर आपको पहले से था आपके पास, अच्छे से 2-3 बार सॉल्व करो हर पेपर को, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा देख लो उसका सॉल्यूशंस को, अपने लेवल पे सॉल्व करो, पर बेस फाउंडेशन स्ट्रांग रख के पढ़ोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, राइट.